फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। जब हथियारों से मार रहे थे तो मैं अंदर आके चुप के बैठ गया, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। मैं पुलिस वालों को फोन करा, मैं मेरे को बचा लो प्लीज। मंशा रहमान ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, असलम रहमानी के बेटे। घर पे आया मैं, आने के बाद में मेरे को अंदर बन करके फुल यहाँ पर मेरे को मारे करे। मैं यहाँ पर अंदर थोड़ी देर अंदर छुप गया था, मैं मेरे को मंशा छुपा दिए थे। छुपाने के बाद में मैं इधर उन्होंने मारे करे कराए तो मैं इधर अंदर छुप गया, अपनी जान बचा लेके मेरे को इधर पूरा मारे, मेरे को खूनम खान हो गया। मेरे को हथियारों से मार रहे थे तो मैं अंदर आके चुप के बैठ गया, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। मैं पुलिस वालों को फ़ोन करा, मैं मेरे को बचा लो प्लीज़। उनके पापा जानलेवा हमला कर दिया पूरा बचा। मेरे को मंशा फ़ोन करके बुलाए तो मैं आया यहाँ, घर पे आया तो उनके पापा मेरे को अंदर बन करके फुल मारे करे। उसके अंदर मैं कैसा कि क्या कि जान बचा लेके कर लेके इधर आ गया, मैं छुप गया। मैं इधर दरवाज़ा लगे हुआ है, मैं अंदर हूँ, इधर अंदर हूँ। मेरे को खूनम खान पूरा मार दिया, इधर मेरे को बचा लो, मेरी जान चले जाती, मेरे को बचा लो। मेरे को चक्कर सा आ रहा। मंशा मेरे को घर पर बुला के मेरे को यहाँ फंसा दिए, मेरे को फ़ोन करके बुला के मेरे को यहाँ पे फंसा दिए। मेरे को बच्चा हुआ है वही बोल के मैं देखने आया था तो मेरे को यहाँ पे उनके पापा फुल मार के देखो खून निकाल दिए, इधर भी सब जगह अल्लाह। यहाँ पर चाकू लेके मार रहे थे मेरे, मैं जान बचा लेगा कैसा ही क्या करके मैं यहाँ पे आके छुप गया मैं उनके घर का। अरे भाई नियारा 2 दिन से, फिर आज तीसरे दिन है सोनू एक साथ कॉला करे तो उन्हें हमारा भाई आया तो उन्होंने सुने पापा सो रहे हैं, फोन स्विच ऑफ करके सो रहे हैं, आप आओ मिलो, मैं फोन पे नहीं बात कर सकती मैं आपसे, आप आए तो मैं सामने बात करती हूँ आपसे बोल के बोल रहे हो। बुलाए उनको धोखे से, बुला के अंदर है सो है ना बंद कर दिए, अलमारी के अंदर बंद कर दिए तो उन्होंने सो हमारे भाई खोलो 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 बोले तो पूरे जनों के साथ हमला करे उसके ऊपर, चाकुआ ले लेके आए, क्या डंडे ले लेके आए, सर फोड़ दिए उनका, चाकुओं से भोंकने चल जा रहे तो उन्होंने अपनी जान की सेफ्टी करके उन्होंने अंदर छुप गए उनके घर में। और देखे सो हमारे भाई का नाम है सो मोहम्मद सोहेल शरीफ है, और बाबा अम्मा हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, असरा हॉस्पिटल में। हाँ उन्होंने सो उनकी ये चाल है, ये फंसाने की चाल है इनकी। कब मिले थे, कितने साल पहले मिले थे? कितने साल पहले? अभी एक साल पहले की बात है। उनके भी बेटी है सो भाग गई थी हमारे भाई के साथ में, भाग गई थी तो 4 महीने भाग गए थे उन्होंने। 4 महीने के बाद में है सो आए बाद में से यहाँ पर पुलिस स्टेशन में है सो उनका कसूरवार ठहरा। अरे बेटी को सामने लाए नहीं एक बार भी, जब ले लेके चले गए उसको तो लाइश नहीं, उससे बात ही नहीं कराए, माँ कोर्ट में भी नहीं बात कराए, पूरा कसूर जेल को भेज दिया उसको सीधा, हमारे साथ धोखा करे। शाकिर अली सर भी है सो, इन लोग भी है सो, रहमान सर भी, इन लोग सब मिल के हमारे साथ में धोखा करे हमारे साथ। हाँ ये बल्लागोड़ा PS शाकिर सर पेपर लिखा, हाँ, करे पेपर लिखाए थे हमारे को कंप्रोमाइज कर देते, हम शादी करा देते। हाँ बच्ची प्रेग्नेंट थी और है सो निकाह पढ़ा लिए थे और लगा जिधर भागे थे उधर शरीयत के हिसाब से निकाह पढ़ा लिए थे और लगा, उसके भी वीडियोस है मेरे पास, पूरे वीडियोस है लोग भागे थे ना उसके बाद में के आए बाद में से लगा वीडियोस बना के दिए हमारे को। नहीं हम हमारी खुदी से, मैं इन्हू बोले मैं मेरी खुदी से लेके भागी, मैं ज्यादा फोर्स इनको मैच करी भागने के लिए, इन्हों मेरे साथ में नहीं भागे बोल के बोली बच्ची बोले। बाद में से भी हमारे को जब भी इंसाफ नहीं करे, पूरा बच्चे को जेल को भेज दिया, तक भी हम उन्हें बोले वहां पर धोखे से भेज दिया उसको जेल को। हम बोले नहीं तुम्हारा बच्चा आ रहा 8 बजे आ रहा, 10 बजे आ रहा, 11 बजे आ रहा बोल के पूरा पुलिस स्टेशन में हमारे 10-11 बजे तक बिठा दिए, फिर भी हम ना इंतजार करे, उन लोग का भरोसा करे पुलिस वालों का, उन लोगों भी हमारा भरोसा तोड़ दिए। बच्चा है सो बच्चे से मिलने और देखने जेल से कितने बजे कितने दिन में 45 डेज में कुछ आए उन्होंने, अभी भी है सो बच्ची है सो मेरी डिलीवरी हो गई और है सो बच्चा हुआ मेरे को, आओ देखने बोल के बुलाई उनकी बेटी और है। हाँ ऑलरेडी इन लोग का निकाह हो गया, शरीयत के हिसाब से निकाह कर लिए, निकाह नामा नहीं है, शरीयत के हिसाब से कर लिए निकाह। और है सो ना इनका जो बेटा है ना छोटा बेटा, उन्हें है सो उनके ऑफिस में आके बोल के गया, क्या 8 दिन पहले बोला कि डिलीवरी हो गई, पापा है सो ना हमारे दूर हॉस्पिटल में ले जाके डिलीवरी करे उनको, है सो ना बेटा हुआ तुम्हारा बेटा है, उसका नाम है सो ने दिलशाद रखे हमारे पापा बोल के सुनाए गया उसको,
एक हफ्ता पहले, तो उन्हें है सो फिर फोन आया तो सही में होंगी बात बोल के बच्ची फोन करी तो सही छूंगी बात चलो बच्चे को देखने बुला रही होंगी मेरे को बोल के भी आए हो सकता आया होगा उन्हें, तो उसको ऐसा धोखे से बुला के अंदर बंद करके मार देते। उन्होंने है सो हमारे अम्मी को धमकी दिए थे इससे पहले फोन पे, इनके बाबा रहमान सर धमकी दिए थे हमारे अम्मी को फोन पे, अगर तुम्हारा बेटा अगर फिर से ऐसा वैसा करेंगे तो जान से मार दूंगा उसको बोल के बोले थे उन्होंने।